हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अबोध स्टडी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ सॉरी यहाँ पर हम लोग JNB क्लास सिक्स के लिए JNB क्लास सिक्स के IMP चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आप लोग को एग्ज़ाम में कर जाना है इन चैप्टर को, नहीं तो आप लोग को क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इनकी रिवीजन करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले रीजनिंग की ओर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जल्दी से, और हमारे चैनल और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट पे आता है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट क्या होता है? ओड मैन आउट होता है जो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन में होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हार्ड ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इजी में होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में और कहता है कि 4 अंक दे देता है और कहता है कि इन 4ों में से सबसे अलग कौन सा है। तो आप लोग को यहाँ पर 3 अंक 1 मिलेगा और 1 अंक अलग मिलता है, तो जो अलग रहता है वह हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो ये होता है फर्स्ट आप सबका इम्पोर्टेंट। अब आप सेकेंड को देखते हैं तो सेकेंड पे आता है क्या, हमारा फिगर मैचिंग आता है। क्या उसका नाम है? फिगर मैचिंग, जो 5 से 8 तक होता है और इससे भी 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि 1 अंक दे देगा और 4 ऑप्शन दे देते हैं, कहता है कि जो आंकड़े है उसको 4ों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो जो अगर वो जो भी आंकड़े उसके सेम होता है तो वह राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे आप लोग को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी आप लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें आप लोग की गलती ना हो, और ये बहुत ईजी होता है, बस इसको मैचिंग करना होता है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की, और नेक्स्ट जो आता है थर्ड, उसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन। तो इसमें क्या होता है कि चार भाग दिए होते हैं, और उसमें क्या होता है कि 4 भाग में 3 भाग भरा होता है लेकिन 1 भाग जो है खाली होता है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क या खाली जगह भी रहता है। तो पूछता है कि जो क्वेश्चन मार्क जैसे कि यहाँ पर खाली है, जैसे कि यहाँ पर खाली है, तो पूछ देगा कि इसके स्थान पर कौन सी आकृति 4ों में से आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 से 12 तक इसका क्वेश्चन आते हैं, 9 से 12 तक क्वेश्चन आते हैं, और ओमार सीट के साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इससे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर एक वृत्त बैठा दें, अंदर की वृत्त है तो वृत्त लगा देंगे, और फिर इस तरह आकृति बनी हुई दो और इस तरह एक है, तो ऐसा कौन सा आकृति देखने को मिला, सिर्फ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस तरह राइट हो जाता है। तो ऐसे आप लोग को इसमें फिल करना होता है, तो ऐसे आंसर आता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पर आता है फोर आता है, उसका नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। देखते हैं इस वाले आकृति में क्या होता है। तो इस वाले आकृति में होता है कि जैसे कि एक है ये, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और बढ़ गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पर और बढ़ गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, मतलब कि उसका संबंध जैसे एक रहता है आपकी। तो ये से आते हैं क्वेश्चन, तो इसका भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से आते हैं, ये 13 से लेकर 12 16 तक इसमें क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी 4, मतलब कि हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में 10 चैप्टर होता है जिससे 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नेम है फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट पे आता है एनालॉजी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालॉजी में क्या होता है कि दो जैसे कि 1 अंक और 2 अंक का आपस में संबंध होता है, और तो पूछता है कि 3 और जो है उसका आंकड़ी किस, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि 4ों में से उस आंकड़ी का कैसा संबंध है। तो आप लोग को राइट आंसर यहाँ पर चूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आंकड़ी में दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे कि ऊपर की ओर है, तो उसको हम लोग क्या इसमें वाटर इमेज मतलब कि नीचे की ओर कर दिया है। तो उसी तरह इससे पूछा है कि ये जो है उसका यहाँ पर 3rd वाली आकृति, तो 4 में क्या होगा, तो इसे पूछ देता है, तो वो भी ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन जो ए है हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस वाले आकृति में, तो इसका नेम है एनालॉजी, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट पे क्या आता है, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसमें ट्रेंगल भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं। जैसे कि एक आकृति दे देगा और पूछेगा, और उसमें यहाँ पर एक भाग खाली कर देता है एक, और वहाँ पूछेगा कि कौन सी आकृति उसमें लगाई जाए कि वह पूरी तरह से एक आकृति बन जाए। जैसा कि यहाँ पर ये वाली आकृति दी हुई है, जैसा कि यहाँ पर ट्रेंगल भी, स्क्वायर और सर्कल में भी आकृतियाँ रहती हैं। जैसा कि अगर इस वाली आकृति को हम लोग पूरा फिल करेंगे तो वह ये वाली आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति क्या है, आप लोग कमेंट बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है 21 से लेकर 22 तक, इससे भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में आता है मिरर इमेजिंग।
क्या मिरर इमेजिंग होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा जैसे कि यहाँ पर TBAT और यहाँ पर एक सरफेस रहता है और यक्स वाई पूछ देगा, तो पूछेगा यक्स वाई का अगर यहाँ पर यक्स वाई है और यहाँ पर एक इमेज है, सॉरी यहाँ पर एक हाँ इमेज है और यहाँ पर यक्स वाई है, तो समझ जाइए इसको हम लोग को इधर घुमाना है, इसलिए इधर घुमाएंगे तो कौन सा ऑप्शन बनता है वही हमारा राइट होता है। तो उसको हम लोग शीशे के सामने भी रखेंगे तो वैसे बनेगा। और एक आता है इसी में मिरर इमेजिंग में भी आता है वाटर इमेज, उसका नेम होता है जो नीचे की ओर रहता है उसका सरफेस, और यक्स वाई जो है नीचे की ओर रहता है, उसे वाटर इमेज कहते हैं। उससे जैसे कि 4 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और उसमें 3 होंगे मिरर के या 2 होंगे मिरर के और 1 या 2 वाटर के होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आता है 25 से लेकर 28 तक, इसका नेम है मिरर इमेजिंग, ये भी नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर पंचेड होल पैटर्न फोल्डिंग, जैसे कि यहाँ पर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर एक पेपर दे दिया रहता है और उसमें एक पार्ट ही सीट देता है और उसको खोलकर आप लोगों को पूरी आकृति बनाना रहता है उसे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए क्या है, एक पार्ट सीट बनाया हुआ है और उसको आप लोगों को उसमें खोलना है पूरा, तो खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी वही हमारा राइट आंसर होता है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में आते हैं और इसका नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, और ये कहाँ से आता है 29 से लेकर 32 तक आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा हार्ड होता है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में आता है यहाँ पर स्पेस विजुअलाइजेशन आता है, तो इसमें क्या होता है 3 से लेकर कितनी भी आकृतियाँ दी हुई होती हैं और पूछ देता है जितने भी आकृतियाँ दी हैं उन सारे आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जिसको भी सारे आकृतियों को मिलाकर जो भी बनता है उससे हमारा राइट आंसर होता है। तो ये होता है आप सबका। और नेक्स्ट में क्या होता है, और ये आता है 33 से लेकर 36 तक आता है, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे, उसका नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। और ये लास्ट आपका है, तो लास्ट है एम्बेडेड फिगर, इसमें क्या होता है एक आप सबको आकृति दे देगा और चार आकृति अलग से और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ देगा कि ये जो आकृति है वह चारों में से किस वाली आकृति में छिपी हुई है, तो इसका नेम क्या है छिपी हुई आकृति। और ये 37 से लेकर 40 तक इसके क्वेश्चन आते हैं और ये 4 क्वेश्चन का होता है, तो ये आप सबका भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसका नाम है एम्बेडेड फिगर और इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रीजनिंग आप सबका यहाँ पर समाप्त होता है, तो रीजनिंग यहाँ पर आप सबका समाप्त हो चुका है, रीजनिंग की इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं और ये आप सबका इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो फिर चलते हैं अब हम लोग मैथ की ओर। आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर मैथ का आ चुका है, तो मैथ क्या सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ में कितने चैप्टर होते हैं, मैथ में होते हैं आप सबके 15 चैप्टर, लेकिन 15 ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेकिन उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैथ को। तो फर्स्ट में आता है LCM एंड SCF ऑफ नंबर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। और सेकेंड पर आता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, जिस पर टिक लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड भी नंबर सिस्टम जो आता है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इससे भी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन की आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो इसी चैप्टर से जो चैप्टर बता रहे हैं इसी क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखते हैं। फोर्थ वाला परसेंटेज है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे 2 क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट हुआ। और फिफ्थ जो है डेसिमल, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और सिक्स में ये ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 भी इम्पोर्टेंट है। और 8 में ज़्यादा देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ये इम्पोर्टेंट ज्यादा तो नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 9 पे आता है टाइम एंड डिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। और यहाँ पर एप्लीकेशन 11, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 12 वाला जब देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर 13 से वह प्रॉफिट और लॉस, वह हमारा मोस्ट IMP कहा जाएगा। और यहाँ पर सिंपल स्टेट, ये भी मोस्ट IMP है। और एरिया और पेरीमीटर जो है वह भी मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। देखते हैं हम लोग कितने अब तक चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, तो जो यहाँ पर बताया गया है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
जिस पर टिक लगा है उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर 1 है, 2 है और 4 वाला है, 5 है, 6 है, 7 है और 9, 10, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15। तो जैसे कि यहाँ पर कितने हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कितने इम्पोर्टेंट हैं, 12 चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लेंगे और इसका भी स्क्रीन शॉट ले लेंगे। और ये जो कहा गया है कि जिस पर टिक है वो इम्पोर्टेंट है और जिस पर टिक नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जिस पर टिक नहीं लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आए हुए हैं। तो उसकी अगर आप लोग को उसका भी टाइम मिले कुछ, तो आप लोग उस जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका बात का ध्यान है, और अपने बुक में से जो है कुछ इसमें, और अपने बुक में जैसे एवरेज हो गया और कुछ और सब चैप्टर हैं जो जिसकी आप लोग आपके सबके बुक में है उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का मैथ भी हो समाप्त हो जाता है। तो मैथ के बाद हम लोग देखते हैं, और जो इसके बाद का ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप लोग को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है क्योंकि उससे भी अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो फिर चलते हैं हम लोग अब मैथ की ओर। तो हिंदी आती है, तो हिंदी में क्या करना था, सिर्फ गद्यांश आप सबको प्रैक्टिस करना था। एक दिन में आप लोग को लगभग 8 से 10 गद्यांश को आप लोग को सॉल्व करना चाहिए, और साथ में आप सबको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आप सब मुहावरे यह सब आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हिंदी का गद्यांश हो गया इम्पोर्टेंट में, और पर्यायवाची शब्द हो गया और विलोम शब्द हो गया, ये और मुहावरे हो गए, ये आप सबका इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सबको इस सब की प्रैक्टिस करनी है, और आप सबको रोज़ डेली 1 से 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, वो भी 2 hour में, या कम भी 2 hours से कम, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 hour का टाइम होता है। तो 2 hour से कम आप लोग टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को टाइम को देखना है। तो ये जैसे कि यहाँ पर 24 मॉडल पेपर में से आप सबको 11 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है, और अभी आज प्रोवाइड कराया जाएगा, इसका बात का ध्यान रखेंगे। और फिर आता है नेक्स्ट, क्या आता है, और विथ ओमार शीट, किसके साथ, विथ ओमार शीट के साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन आप सबका रॉन्ग होता है उसको एक जगह नोट कर लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर और वैसा क्वेश्चन जो है आप सबके बुक में ढूंढना है, तो उसे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग का समाप्त हो चुका होता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर करने का, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने किए हो तो नए सब जल्दी जाइए, लाल रंग के आइकॉन पर क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साइड में प्रेस कर ऑल पर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहना बोध स्टडी अकेडमी के साथ।